गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो ये ट्रेलर है वो कन्नड़ा लैंग्वेज की अपकमिंग फिल्म कमारोतु चेकपोस्ट का ट्रेलर है, क्योंकि ये एक खास ट्रेलर है दो तीन नज़रिए से, दो तीन चीज़ों के कारण से। तो आइए पहले ये ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। ओके स्टार्ट। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे ये फिल्म है, पहली फिल्म है इंडिया की। ಇದು ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡ ಸತ್ಯ. ओके तो चलो कुछ तो अलग है देखने के लिए इसमें। ये इंडिया की पहली फिल्म है, आपको बता दूं इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आधारित है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आप बोल सकते हैं, जैसे कि कभी कभी हमारे आसपास कुछ तो ऐसा होता है जो कि मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ अलग कुछ हटके होता है जो हमें अंदर से डरा देता है, अंदर से रोमांचित कर देता है, एक्साइटमेंट जगा देता है हमारे अंदर। तो कभी कभी अच्छे वे में होती है, कभी कभी बुरे वे में होती है। तो ये जो फिल्म है कमारोतु चेकपोस्ट, ये 2019 की अपकमिंग कन्नड़ा लैंग्वेज की पैरानॉर्मल सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय परामेश ए, प्रोड्यूस्ड बाय चेतन राज, और इस फिल्म में म्यूजिक दिया है ए.टी. रवीश ने। और इस फिल्म में लीड रोल में है सनत एस, उत्पल, स्वाथी, अहल्या, गाडप्पा एंड सुशील। इस फिल्म की स्टोरी जो है वो दो तीन लाइंस में मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाली है इस फिल्म की स्टोरी। तो प्रदीप जो कैरेक्टर है उसके साथ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही उसके घर पे, तो वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है सनत को बेंगलोर में। तो उसका दोस्त आता है अपने दो और दोस्तों के साथ इसके घर पे कमारोतु, लेकिन वहाँ पे जब ये पहुँचता है तो घर पे कोई नहीं रहता। रात का समय होता है, बारिश हो रही होती है बाहर, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग घर के अंदर जाएंगे। ये डोर अनलॉक करते हैं, घर के अंदर जाते हैं और वहीं रुकने का प्लान करते हैं। यहाँ तक हुआ। उसके बाद यहाँ का मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है सनत को, तो वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ को भी बुला लेता है कमारोतु। तो उसके बाद जो कुछ भी उनके साथ होता है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती, तो वो सब चीज़ें जो उनके साथ होती है ना, वही फिल्म की स्टोरी है। और आपने जो वो स्टार्टिंग में गिरगिट देखा होगा जिसके बारे में मैंने बोला चमेरियन, तो वो जो है वो इंडिया में पहली बार एज अ कैरेक्टर यूज़ किया गया उस चीज़ को किसी भी फिल्म में। तो वो इंडिया की पहली फिल्म बनाती है इस कमारोतु चेकपोस्ट को। उसके बाद इंडिया की ये पहली ऐसी फिल्म है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आधारित है, तो ट्रू इंसिडेंट्स पे ये फिल्म आधारित है। तो ये फिल्म जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, उम्मीद तो यही लगा सकते हैं। फिल्म कोई हाई बजट नहीं है, तो आप मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये होगा वो होगा। फिल्म नए लोगों ने बनाई है, नए लोगों की टीम है, तो काफ़ी अच्छी बात है अगर
ऐसा कुछ करते हैं। और इस ट्रेलर के बारे में जब इसका इससे पहले टीजर आया था तो डॉक्टर शिवा राजकुमार सर ने भी बताया था, इसके बारे में बात की थी वीडियो में। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बगे ओद्ता इदीनि, आई थिंक इदर बेस आगिरो सब्जेक्ट ई कमरोट्टु चेक पोस्ट द फिल्म। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बगे अष्टु जास्ति इंडिया सिनिमा बंदिल्ल, अंद्रे यूज माडिद्रु ओंदु वन आर् टू पीपल वुड हैव यूज्ड ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಹೊರತು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಮರೋಟು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಟ್ರೈಲರ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. तो अभी बस आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।